गांव का छोरा शहर में ढिंढोरा, ये कहानी है कटिहार के रहने वाले पंकज की, जिसने नाविया बनकर कामयाबी की नई कहानी लिखी। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये है नाविया, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं। नाविया सावधान इंडिया के मुख्य कलाकार के साथ साथ मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी है। कटिहार में छोटे से गांव की रहने वाली नाविया मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया का सुपर मॉडल का खिताब भी जीत चुकी है। अच्छी बात है, कटिहार का है यहाँ से, और पूरे बिहार के लिए गौरव है, अपने देश के लिए भी गौरव है की बात है ये, इस तरह का वो। और हम लोग की तरफ से भी अच्छी उन्हें हम लोग भी अथी करते हैं, उनकी शुभकामना देते हैं कि वो आगे रोशन करें पूरे अपने बिहार का, कटिहार का, पूरे देश का रोशन। कहा जाता है कि हमारे देश में लड़कियां पीछे रह जाती हैं, और उस बीच में जो है एक लड़का, उसने अपने आप को लड़की बनाया और उसके बाद वो इतना आगे बढ़ा है, ये बहुत बड़ी बात है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नाविया पंकज से नाविया बनी है, यानी लड़का से लड़की। लड़का होते हुए भी बचपन से ही उसका लड़कियों जैसा स्वभाव था, बातचीत का लहजा, हाव भाव सभी लड़कियों जैसा था। अपने इस प्राकृतिक स्वभाव को उसने जिंदगी का हिस्सा बना लिया और उसने पंकज से नाविया बनने का फैसला किया। शुरुआत में नाविया को इसके लिए समाज से ताने सहने पड़े, परिवार का विरोध झेलना पड़ा, लेकिन आज परिवार के साथ साथ समाज का भी उसे पूरा साथ मिल रहा है। बचपन में भी इसका लड़की का ही स्वभाव था ना, वो तो लड़का हुआ ना, तो लड़की का ही इसका जो रहन सहन था कुछ लड़की पर ही था। जब बाद में ये लड़की बन गया तो हम सोचते कि आसमान के तारा आ गया मेरे घर में। शुरू में इधर ये इसका जो रहन सहन था गांव में, तो वो लड़की जैसा ही करती थी ना, तो धरिए हमको जैसे फैशन कर देना, मेरा आईब्रो बना देना, तो बिंदी लगा देना, ऐसा मतलब बेटियां जैसे करती थी ना ऐसे ही करती थी। मैं पैदा एक लड़का हुई थी, मेरा नाम पंकज सिंह था, लक्ष्मीपुर के एक छोटे से गांव जो कि बिहार में है, और मैं एक सरदार सिख फैमिली से जो कि बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली है वहां से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे आपके जो फैसले हैं आपके मॉम डैड ही ले सकते हैं। बट शुरुआत से कहीं ना कहीं काफी ज्यादा फेमिनिन थी मैं। कहते हैं जहां चाह वहां राह, नाविया ने आज ये साबित कर दिखाया है कि इंसान चाहे तो कोई भी बाधा पार कर अपनी मंजिल को हासिल कर सकता है। सी मीडिया के लिए कटिहार से राजीव की रिपोर्ट।